इन दिनों निमार सहित खरगोन जिले में भीषण गर्मी का प्रकोप लोग झेल रहे हैं। ऐसे मगर आप भी यह मानते हैं कि बच्चों का इम्यूनिटी पावर मजबूत होता है, वे कुछ भी खाएं सब कुछ डाइजेस्ट कर लेंगे, तो ये आपकी गलत फहमी है। गर्मी के मौसम में बच्चों के खान पान का विशेष ध्यान रखना चाहिए, अन्यथा टाइफाइड, डिहाइड्रेशन जैसी बीमारियां बच्चों को हो सकती है। जिले में पदस्थ डॉक्टर स्वप्निल श्रीवास्तव ने लोकल एटिन को बताया है कि जिले में गर्मी ज़्यादा है, टेम्परेचर 44-45 डिग्री के आसपास बना हुआ है। ऐसे में माता पिता के लिए ज़रूरी है कि बच्चों को वही चीज़ें खिलाएं जो सेहत के लिए फ़ायदेमंद हो और किसी प्रकार से नुकसान नहीं पहुँचाए, क्योंकि गलत चीज़ों का सेवन करने से बच्चों की सेहत पर बुरा असर पड़ता है। बच्चे डिहाइड्रेशन, टाइफाइड जैसी बीमारियों से ग्रसित होकर बीमार पड़ सकते हैं। इस समय गर्मी में का पारा बहुत ही ज़्यादा बढ़ा हुआ है और बच्चों के खान पीन पर विशेष ध्यान देना चाहिए, क्योंकि अगर बच्चों का खान पीन ठीक नहीं रहता तो इस समय डिहाइड्रेशन और टाइफाइड जैसी बीमारियाँ हो सकती है। खास करके छोटे बच्चों का, जैसे कि देखें कि एज ग्रुप के हिसाब से कि जो 6 महीने तक के बच्चे हैं उनको मदर का मिल्क देना चाहिए। उस 6 महीने से जो 2 साल तक के बच्चे हैं उनको मदर के मिल्क के साथ सेमी सॉलिड फूड भी देना चाहिए, है ना। इसके अलावा 2 से 5 साल तक के बच्चों को सेमी सॉलिड फूड के साथ फ्रूट्स भी देना चाहिए, जिससे उनके अंदर पानी की कमी ना हो पाए, इलेक्ट्रोलाइट्स का बैलेंस बना रहे। 5 साल से ऊपर के बच्चों को फ्रूट्स और घर का खाने के साथ साथ पानी की प्रचुर मात्रा भी पिलाना चाहिए, है ना। और इस समय ये ध्यान रखना चाहिए कि बाहर का खाना ज़्यादातर अवॉइड करना चाहिए। हम देखते हैं कि बाहर जो है कोल्ड ड्रिंक जो ज़्यादा सेवन बच्चे करते हैं आजकल, तो उससे क्या नुकसान होता है? देखिए, कोल्ड बाहर वैसे ही इतनी गर्मी पड़ रही है, बाहर के किसी भी फूड से नुकसान होने की संभावना इस समय बनी ही रहती है, इसलिए इन चीज़ों को अवॉइड करना ही चाहिए। और क्या क्या सावधानी रखना चाहिए बच्चों को? बच्चों को सावधानी मेनली ये रखना चाहिए कि अभी लू का मौसम बहुत ज़्यादा चल रहा है, टेम्परेचर बाहर का बहुत बड़ा हुआ है, अगर आवश्यकता ना हो तो बच्चों को लेकर घर से बाहर ना निकले, अति आवश्यक काम होने पर ही बच्चों को बाहर निकालें। आजकल तो जो महीना चल रहा है इसमें बुखार में भी डिहाइड्रेशन हो सकता है, उल्टी दस्त में भी डिहाइड्रेशन हो सकता है, तो डिहाइड्रेशन का विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए और माँ बाप को उस डिहाइड्रेशन के लक्षण घर पर पता चल जाना चाहिए। कि डिहाइड्रेशन के मेनली लक्षण होते हैं, बच्चा चिड़चिड़ा हो जाता है, सुस्त पड़ जाता है, टॉयलेट करना कम कर देता है, तो अगर ऐसी कोई भी स्थिति भी हो तो तुरंत अस्पताल लेके आए। लोकल एटिन के लिए खरगोन से दीपक पांडे की रिपोर्ट।